तो आज हम लोग GTA 5 के अंदर कुछ खतरनाक गोल्डन बिलियनर कार्स को चोरी करने वाले हैं और इन कार्स को चोरी करने के बदले में सिमियन हमें पूरे के पूरे 100 मिलियन डॉलर्स देगा। तो भाई जो हमारी पहली गोल्डन बिलियनर कार है वो इस सीक्रेट बेस में है और भाई ये एक माफिया का बेस है। लेकिन भाई तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी तगड़ी सिक्योरिटी है और सामने की तरफ तीन तीन बॉडीगार्ड लगे हुए हैं। तो भाई मुझे नहीं लगता यार कि हम लोग इस जगह से आगे जा पाएंगे। तो चलो हम लोग यहाँ से नीचे उतरते हैं और भाई हम लोग कोई और रास्ता ढूंढते हैं। भाई हम लोग इस बेस के एकदम पीछे से जाने का ट्राई करते हैं और भाई ये क्या यार, भाई तुम लोग देख सकते हो कि इस माफिया का तो एकदम एक अंडर वाटर बेस है। और भाई सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस माफिया ने एक अंडर वाटर गैरेज में अपनी करोड़ों की कार्स को भी रखा हुआ है। और भाई ये देखो यार, हम लोग पानी के रास्ते इस बेस के अंदर घुस चुके हैं। और भाई साहब ये क्या यार, तुम लोग देख सकते हो ये तो एक रनवे है और भाई इस माफिया के पास कितनी सारी प्लेन्स हैं यार। और भाई ये देखो, हमने फाइनली अपनी पहली गोल्डन कार को खोज लिया है। तो चलो हम लोग जल्दी से इस गोल्डन कार के अंदर बैठते हैं। और भाई मुझे इस कार का नाम नहीं पता, पर तब भी ये कार मुझे काफी ज्यादा कूल लग रही है। और भाई मेरे ख्याल से यार हमें इस कार को रनवे से ही ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग रोड से ऊपर से ले जाएंगे तो वो सब हम पे शंका करेंगे। तो चलो भाई हम लोग जल्दी से इस कार को इस रनवे से जंप कराते हैं। और भाई साहब ये देखो यार, ओके आराम से ओ भाई, हमने अपनी पहली गोल्डन कार को बहुत आराम से चोरी कर लिया है। ये लो सिमियन, कैसी लगी तुम्हें हमारी पहली गोल्डन कार? तो चलो भाई हम लोग जल्दी से इस कार को यहाँ पे पार्क करते हैं। तो भाई जो हमारी अगली कार है उसको चोरी करने के लिए हमें एक बैंक को लूटना होगा, क्योंकि भाई जो अगली कार है उसकी प्राइस इतनी ज्यादा महंगी है कि उस कार की चाबी को एक बैंक के सीक्रेट वॉल्ट में रखा गया है। तो आज हम लोग उस वॉल्ट को लूटने वाले हैं ताकि हम लोग उस गोल्डन कार की चाबी को भी ले सकें। तो चलो भाई हमने चोरी स्टार्ट कर दी है और यहाँ पे हमने दो बंदों को भी मार दिया है। तो चलो भाई इस वॉल्ट के अंदर जाने के लिए हम लोग सबसे पहले इस गेट को उड़ाते हैं। ओके तो अब ये गेट भी खुल चुका है, अब जल्दी से इसके अंदर चला जाए। और भाई ये देखो, यही है वॉल्ट जिसके अंदर उस कार की चाबी है। तो भाई हमने हैकिंग की मदद से इस वॉल्ट को भी खोल लिया है जिसके अंदर है उस कार की चाबी। और भाई ये देखो यार, यही है वो कार की चाबी जिसे लेने के लिए हमने इस बैंक को लूटा है। तो चलो भाई हमने कार की चाबी को ले लिया है, अब जल्दी से इसे लेके यहाँ से भागते हैं। और भाई ये देखो, ये वही कार है जिसकी हमने अभी चाबी चोरी की है। तो चलो इस कार को जल्दी से अनलॉक किया जाए। और भाई इस कार की प्राइस पूरी 50 मिलियन डॉलर है। तो चलो इस कार को जल्दी से लेके यहाँ से निकला जाए। और भाई ये देखो, हमने अपनी दूसरी कार को भी थोड़ी मुश्किल से चोरी करके ला दिया है। तो हम लोग इसे यहाँ पे आराम से पार्क करते हैं और चलते हैं अपनी तीसरी कार को चोरी करने। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं इस लॉस सैंटोस के सबसे महंगे होटल में। और भाई इस होटल के अंदर एक बहुत ही ज्यादा अमीर बंदा रुका हुआ है और उसके पास एक बहुत ही ज्यादा रेयर लैम्बोर्गिनी है जो कि सामने की तरफ खड़ी हुई है। और भाई ये जो तुम लोग आदमी देख रहे हो, इन्हीं सब आदमी से में से किसी एक के पास इस लैम्बो की चाबी है। तो चलो हम लोग इनमें से मार के उस लैम्बो की चाबी को ले लेते हैं। और भाई ये क्या यार, ये सब तो मेरे ऊपर फायर करने लगे हैं। हम लोग भी जल्दी से इन्हें मारते हैं ताकि हम लोग इनसे लैम्बोर्गिनी की चाबी को छीन सकें। भाई कितना जान है यार इसके पास। तो चलो भाई हम लोग जल्दी से इस लैम्बो की चाबी को ढूंढते हैं। तो इसके पास तो नहीं है वो चाबी, इसके पास भी नहीं है। और भाई ये देखो यार, हमें लैम्बो की चाबी मिल चुकी है। तो चलो जल्दी से हम लोग इसमें बैठ के यहाँ से निकलते हैं। और भाई यार, भाई ये लैम्बो कितनी कूल लग रही है यार। लेकिन भाई इस शानदार लैम्बोर्गिनी को चोरी करने के चक्कर में हमारे पीछे 2-स्टार पुलिस लग चुकी है। लेकिन भाई इसकी स्पीड इतनी ज्यादा
ज्यादा तेज है कि हम लोग बहुत आराम से उन्हें चकमा दे देंगे। और भाई हम लोग अपनी थर्ड कार को भी चोरी करके आ चुके हैं। और भाई सिमियन ये देखो यार, ये कार कितनी गदर है, तो चलो चलते हैं अपनी चौथी कार को चोरी करने। तो भाई लॉस सैंटोस में एक मूवी की शूटिंग चल रही है और जो हमारी अगली गोल्डन कार है वो उस शूटिंग में इस्तेमाल की जा रही है। तो भाई हम लोग भी जो है उसी शूटिंग के अंदर जा रहे हैं ताकि हम लोग उस गोल्डन कार को चोरी कर सकें। तो मैं जो है अपनी बाइक को यहाँ पे खड़ा करता हूँ और हम लोग यहाँ से पैदल चलते हैं। लेकिन भाई ये वाली गेट तो बंद है, हम लोग जाएँ किधर से? चलो हम लोग आगे एक बार ट्राई करते हैं, तो इधर भी जाने का रास्ता है। और भाई यहाँ पे तो एक गैप है, क्या हम लोग इससे पार हो जाएंगे? और भाई ये देखो यार, भाई किसी को पता भी नहीं चला, सब लोग अपने काम में व्यस्त है तो किसी ने हम पे ध्यान भी नहीं दिया। और भाई हम लोग इस मूवी शूटिंग के अंदर आ चुके हैं, तो चलो आगे चला जाए। और भाई किधर हो सकती है वो कार, हम लोग एक बार इधर देख लेते हैं। तो इधर तो नहीं है वो गोल्डन कार। और भाई मैंने सुना है कि वो कार जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी है और वो कार बहुत ही ज़्यादा रेयर है, तो चलो इधर एक बार देख लिया जाए। और भाई साहब ये देखो यार, भाई यही है वो गोल्डन कार। और भाई तुम लोग सोच रहे होगे कि इसमें गोल्ड कहाँ है, तो भाई इसका जो इंजन है वो गोल्ड का बना हुआ है। तो हम लोग इस कार में बैठ चुके हैं और भाई किसी को बिना पता लगे हम लोग जल्दी से इस कार को यहाँ से निकालते हैं। और भाई मेरे ख्याल से हम लोग आगे से नहीं निकाल सकते, हम लोग इस पुलिस वाले को उड़ाते हैं। और भाई चलो जल्दी से इसे लेके यहाँ से निकालते हैं। ओके ओके, ये वाला किसी तरह खुल जाए। भाई ये वाला गेट तो खुल ही नहीं रहा है यार, हम लोग जल्दी से इसके ऊपर स्टिकी बॉम्ब लगा के इस गेट को ही उड़ा देते हैं। चलो 3, 2, 1 और ये गया। ओ भाई यार, इस कार को चोरी करना कितना ज्यादा आसान था। और भाई तुम लोग इस कार की लेंथ देख सकते हो यार, ये कार कितनी ज्यादा लंबी है। मुझे जहां तक सुनने में आया है ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कार है। तो चलो भाई सिमियन तो इस कार को देख के एकदम खुश हो जाएगा। सिमियन ये देखो इस बार हमने कितनी लंबी कार लाई है। और भाई ये क्या यार, सिमियन तो इस बार गिटार बजाने में एकदम मस्त है, तो चलो चलते हैं हम लोग अपनी पांचवी कार लाने। तो भाई हमारी जो अगली गोल्डन कार है वो इस सामने वाले मैंसन में है। और भाई इस मैंसन के अंदर एक बहुत ही शानदार पार्टी चल रही है, तो भाई अगर हम लोग भी इस पार्टी के अंदर घुसेंगे तो मेरे ख्याल से इन गार्ड्स को हमें नहीं रोकना चाहिए। प्लीज यार ये सब हमें नहीं रोके। ओके, तो इन्हें लग रहा है कि हम लोग भी इस पार्टी के अंदर आ रहे हैं। और भाई ये देखो यार, हम लोग बहुत ही आराम से इस मैंसन के अंदर आ चुके हैं। और भाई ये देखो यार, ये तो वही गोल्डन कार है जो कि लेने हम लोग यहाँ आए हैं। तो भाई बिना देर किए इसमें बैठते हैं और सेट यार, भाई इसका तो गेट ही लॉक है। अब भाई हमें इस घर के अंदर मजबूरन जाना पड़ेगा, तो भाई हमें इसकी चाबी ढूंढनी होगी इस घर के अंदर। तो चलो भाई आराम से चलते हैं, इन्हें ऐसा लगे कि हम लोग भी यहाँ पार्टी इंजॉय करने आए हैं। तो मुझे जहाँ तक फीलिंग आ रही है कि उस चाबी को इस फ्लोर पे नहीं बल्कि ऊपर वाले फ्लोर पे होना चाहिए। तो हम लोग ऊपर आ चुके हैं और भाई मेरे ख्याल से यार उस चाबी को इस रूम में होना चाहिए क्योंकि ये बॉस का रूम लग रहा है। तो भाई हमें इसे मारना होगा वरना ये सबको बता देगी कि हमने चाबी को चोरी किया है। तो चलो भाई हमने इसे मार दिया है और भाई मेरा शक बिल्कुल सही निकला, यही है उस कार की चाबी। तो भाई हमने उस चाबी को चोरी कर लिया है, अब जल्दी से हम लोग उस चाबी को लेके यहाँ से भागते हैं। ओके जल्दी चल। और भाई यहाँ पे तो भगदड़ मच चुका है यार, और ये देखो यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सब हमें मारने लगे हैं। तो इन्हें मारते हुए हम लोग जल्दी से कार में बैठते हैं। और भाई ये देखो यार, हमने बिल्कुल सही चाबी सेलेक्ट की थी और हमारे लिए गेट भी खुल चुका है। और भाई पता नहीं पीछे से कौन हमें गोली चला रहा है, हम लोग जल्दी से इस कार को लेके यहाँ से निकलते हैं। और यस यार, हमने फाइनली अपनी पांचवी कार को भी बहुत ही आराम से चोरी कर लिया है। तो चलो अपनी इस कार को हम लोग यहाँ पे आराम से पार्क करते हैं। और तुम लोग देख सकते हो कि सिमियन इन गाड़ियों का हिसाब किताब कर रहा है, तो जब तक इन सब गाड़ियों को वो कैलकुलेट करता है हम लोग चलते हैं अगली गाड़ी लेने। तो भाई जो हमारी अगली कार है वो इस सामने वाले घर के अंदर है। और भाई ये देखो यार, सामने की तरफ तो एक सिक्योरिटी गार्ड है, तो मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ से नहीं आ सकते,
और भाई तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक गोल्डन कार है और उसके चारों तरफ चार चार सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो भाई आगे से जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता यार, हम लोग इसके ऊपर खड़े होके आगे की तरफ चलते हैं और कोई और रास्ता ढूंढते हैं। भाई यहाँ पीछे से जाना एकदम सही रहेगा, हम लोग पीछे से जाते हैं। और भाई ये देखो यार, एकदम बगल में ही है वो बंदा, वो मुझे देख नहीं पा रहा। तो चलो हम लोग जल्दी से इसे निपटाते हैं और इसे भी निपटाते हैं। और भाई ये देखो यार, ये सब तो मेरे ऊपर सूट करने लगे हैं, हम लोग जल्दी से इन सबको मारते हैं। ओ भाई एक तो मेरे पास सिर्फ एक पिस्टल है, भाई क्या करें, इधर की तरफ एक और है, हम लोग जल्दी से इसे भी मारते हैं। ओ भाई यार हमने सबको मार दिया। तो चलो यार इससे पहले कि पुलिस हमारे पीछे पड़े, हम लोग जल्दी से इस कार को लेके यहाँ से निकलते हैं। और भाई तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि ये कार कितनी ज़्यादा महंगी है। भाई ये एक 24 कैरेट गोल्ड से बनी हुई है, गोल्डन कार है। और भाई ये दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा महंगी कार है सिमियन। ये देखो यार, मैंने एक 24 कैरेट गोल्ड कार को भी चोरी कर लिया है। और भाई ये क्या यार, अपने पास तो अब कार रखने की जगह भी नहीं है। तो भाई जो हमारी अगली गोल्डन कार है वो इस सामने वाली मैंसन में है। लेकिन भाई दिक्कत ये है कि इस मैंसन में लॉस सैंटोस का गवर्नर रहता है, इसी वजह से भाई बाहर की तरफ इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। तो भाई मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग एक RPG लेते हैं और जल्दी से सबसे पहले इस पुलिस वाली कार को डिस्ट्रॉय करते हैं। और भाई ये देखो यार, अभी ये पुलिस वाले एक्टिव नहीं हुए हैं, हम लोग जल्दी से इन सबको भी मार देते हैं। ओके ये हमने इधर भी गोली चलाया, चलो भाई बस एक पुलिस वाला और है, हम लोग जल्दी से उसे भी उड़ाते हैं। और भाई ये देखो, हमने उसे बहुत ही आराम से मार दिया है। और ये क्या यार, गेट भी हमारे लिए खुल गया है, तो हम लोग जल्दी से इसके अंदर घुसते हैं। और यहाँ पे भी पुलिस कार है, इसे उड़ाते हैं। चलो भाई, तो सबको उड़ाते हुए हम लोग गैरेज के अंदर पहुंच चुके हैं। और भाई ये देखो यार, भाई ये तो एक लैम्बॉर्गिनी है, और भाई ये कितनी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रही है। तो चलो भाई, इससे पहले कि उस गवर्नर के और लोग आए, हम लोग इस कार को लेके यहाँ से निकलते हैं। हम लोग यहीं से इस कार को कुदा देते हैं। ओ भाई यार, इसे बैलेंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और भाई ये देखो यार, हमने बहुत आसानी से गवर्नर की कार को भी चोरी करके अपने घर पे ला दिया है। तो चलो हम लोग जल्दी से इसे भी यहाँ पे पार्क करते हैं। और भाई ये देखो यार, सिमियन ने हमें इन सारी कार्स को चोरी करने के बदले में पूरे $100 मिलियन भी भेज दिए हैं। वैसे भाई तुम्हें इन सारी की सारी कार्स में से कौन सी कार सबसे ज्यादा मस्त लगी, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। भाई मुझे तो सबसे ज्यादा मस्त ये लैम्बॉर्गिनी की रियर कार लगी है। भाई इसकी जो लुक है ना, वो एकदम बहुत ज़्यादा मस्त है। लेकिन भाई तुम्हारी इन सारी की सारी कार्स में से कौन सी कार फेवरेट है, कमेंट में प्लीज जरूर बताना। तो चलो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय एंड जय हिंद।